हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज इस वीडियो के अंदर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तरतीब से बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसके पहली वाली वीडियोज़ को नहीं पढ़ा, नहीं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ना शुरू करिए, ताकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में तरतीब से जानकारी हासिल हो सके। आज फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर अगर नॉट नहीं शब्द का जिक्र किया गया होगा हिंदी वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीन लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद सिंस या फॉर लगाने के बाद टाइम का टाइम लगा देंगे, जो टाइम दिया हो गया होगा उसको रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर वन देखिए ज़रा, क्या वह दो दिन से एक किताब नहीं लिख रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर टू डेज। देखिए अब यहाँ पर देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द का जिक्र किया गया है, इसलिए ही के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा ही सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, परंतु दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ निकर्ता से पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर दो देखिए फ्रेंड्स, क्या उसकी बहन दोपहर से गीत नहीं गा रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी फर्स्ट टाइप का है, हैड हिज सिस्टर, और फ्रेंड्स ये हिज सिस्टर जो लिखा हुआ है ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। हैड हिज सिस्टर नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस नून, नहीं क्या उसकी बहन दोपहर से गीत नहीं गा रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए ज़रा, क्या वह दो दिन से मकान में सफ़ेदी नहीं कर रहा था। Had he not been white washing in home for two days? अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फोर देखिए ज़रा, क्या वह दो दिन से नहीं पढ़ रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर had she, अब नहीं पढ़ रही थी, इसका मतलब है कि ये किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है एग्जाम्पल नंबर फोर में, कि किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर she का प्रयोग किया गया है। और हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द का जिक्र है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। had she not been studying for two days, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर फाइव देखिए फ्रेंड्स, क्या बच्चा कल से नहीं रो रहा था। तो हैड द चाइल्ड, ये द चाइल्ड ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके पहले हैड का प्रयोग किया गया है। हैड द चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे, अब देखिए फ्रेंड्स, ये कल से जो लिखा हुआ है ये निश्चित समय के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखिए ज़रा, क्या वे जनवरी से यहाँ नहीं आ रहे थे। हैड दे नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है हमारा दे, और उसके पहले हैड का प्रयोग किया गया है। हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द का जिक्र किया गया है, इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक निश्चित समय दिया गया है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है, यानी हैड दे नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। एग्जाम्पल नंबर सेवन देखिए, क्या लड़के दो दिन से मैच खेल रहे थे। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले बताया चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, लेकिन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। अगर अफर्मेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद में हैड का प्रयोग किया जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा, बशर्ते हैड का प्रयोग किया जाएगा इसके साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फ्रेंड्स ये भी देखिए कि इस वाक्य में हिंदी के वाक्य के बीच में कहीं पर नहीं शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में कहीं पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रेंड्स हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।